सागर की पीटीसी ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जैसीनगर पहुंचे। जैसीनगर की भदभदा ग्राउंड स्थित माध्यमिक बालक शाला में बच्चों के साथ बैठकर मंत्री ने मध्याह्न भोजन किया। इस मौके पर कलेक्टर प्रीति मैथिल, एसपी अमित सांगी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन सत्र में पहुंचे और विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कार बांटे। वहीं मीडिया द्वारा ऋण माफी में किसानों को हो रही परेशानी और फर्जी बाड़े को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की मंशा किसानों की जल्द से जल्द कर्जा माफ करने की है। माध्यम कोऑपरेटिव बैंक है और पिछले 15 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं। इन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया है। इनमें बैठे मक्कार और भ्रष्टाचारी अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से सच्चाई सामने आ रही है। कलेक्टर एसपी को निर्देश दिए हैं कि गड़बड़ी सामने आने पर तुरंत कार्रवाई करें। बुंदेलखंड में नहीं आ रही है गड़बड़ी, पूरे प्रदेश में थोड़ी शुरू हुई है। वास्तव में सरकार की मंशा बहुत साफ है और मंशा साफ के साथ साथ में हम लोगों को किसानों कर्जा माफ करना है, इसलिए हमने इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू करवा दिया। और चूंकि माध्यम कोऑपरेटिव बैंक ज्यादा है तो कोऑपरेटिव बैंक में पिछले 15 साल से भाजपा की सरकारें थी, इन सरकारों में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारी कर्मचारी वही मक्कार और भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से ये सच्चाई सामने निकली है। आप बताइए, सरकार को बने एक माह हुआ है और एक माह में कोई इतना बड़ा घोटाला कर नहीं सकता। घोटाले करने वाले वही लोग बैठे हैं। मैंने अभी कलेक्टर से कहा है कि जहां भी शिकायत आती है तत्काल सस्पेंड करो, और कलेक्टर ने हमसे कहा, एसपी ने, कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हमारी मंशा साफ है, किसी को बचाने का उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं किसान को लाभ मिले और उसके लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। जैसीनगर से राम प्रजापति के साथ ब्रजेंद्र रैकवार, सागर टीवी न्यूज। मैं नरेंद्र डब्बू आचार्य, ग्रामीण कांग्रेस संगठन महासचिव, समस्त सुर्खी विधानसभा एवं प्रदेश की जनता को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और खुशहाली के लिए कामना करता हूँ पूरे प्रदेश की विधानसभा क्षेत्र की खुशहाली के लिए। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत सरखड़ी, जैसीनगर, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन पंडित रविंद्र पांडे, जैसीनगर, सागर, मध्य प्रदेश। सौजन महाराणा प्रताप डीएड बीएड कॉलेज, पता सिटी ऑफिस महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाजू से छात्रावास के सामने, शिवाजी वार्ड, सागर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत बिशनपुर, जैसीनगर, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन जनपद शिक्षा केंद्र, जैसीनगर, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत और या जैसीनगर, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत जैसीनगर, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत हिन्नौत, जैसीनगर, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन जनपद पंचायत, जैसीनगर, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन शैलेंद्र साहू, पटवारी, हल्का क्रमांक 183, जैसीनगर, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन ग्राम पंचायत भीछई, जैसीनगर, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत अगरिया, जैसीनगर, सागर, मध्य प्रदेश।